गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक स्टे फॉर वन मिनट। यू कैन सी दिस इज द चैप्टर, चैप्टर नेम इज फेयर सेयर्स अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू टू ब्रदर्स, द एल्डर वन वाज ग्रेडी एंड द यंगर वन वाज काइंड एंड ऑनेस्ट। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, तो ये जो कहानी है ये दो भाइयों के बारे में है, और इसमें एक भाई लालची होता है और एक भाई दयालु होता है, ईमानदार होता है। तो इस कहानी को पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या होता है दोनों भाइयों में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वर टू ब्रदर्स, देयर नेम्स वर सुल्तान एंड शाह, देयर पेरेंट्स डाइड इन देयर चाइल्डहुड। एक बार दो भाई होते हैं, एक का नाम सुल्तान होता है और एक का नाम शाह होता है, ठीक है। तो देयर पेरेंट्स डाइड इन देयर चाइल्डहुड, उनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। दे लेफ्ट अ काउ एंड अ डेट ट्री, वो उनके लिए क्या छोड़ के गए थे, एक गाय छोड़ के गए थे और एक खजूर का पेड़ छोड़ के गए थे, फॉर देयर सन्स, अपने बेटों के लिए। द टाइम हैज पास्ड, बोथ द ब्रदर्स बिकेम ग्रो। अब हुआ क्या, टाइम गुजरता गया और दोनों भाई बड़े हो गए। सुल्तान वाज एल्डर, ही वाज कनिंग एंड ग्रेडी। सुल्तान बड़ा भाई था और वो थोड़ा चापलूस और लालची था। शाह वाज काइंड, शाह दयालु था और ईमानदार था। ही ट्रस्टेड हिज एल्डर ब्रदर, और वो अपने बड़े भाई पे बड़ा विश्वास करता था। दे वांटेड टू डिवाइड देयर फादर्स प्रॉपर्टी, अब वो क्या चाहते थे, वो दोनों भाई अपने पापा की संपत्ति को डिवाइड करना चाहते थे। सुल्तान सेड आई विल बी वेरी फेयर विथ यू, सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मतलब बहुत अच्छा करूँगा। शाह से कहा, यू टेक द फ्रंट पोर्शन ऑफ द काऊ एज योर शेयर, तुम एक काम करो, अपने शेयर के रूप में जो काऊ का अगले वाला हिस्सा है वो तुम ले लो। आई विल टेक द एक मिनट, रियर पोर्शन ऑफ द काऊ, और उसने कहा कि जो पीछे वाला जो पोर्शन है उसका वो मैं ले लेता हूँ काऊ का, ठीक है। तो ईच वन गेट्स हिज प्रॉफिट ओनली फ्रॉम हिज शेयर, और जो प्रत्येक भाई था वो अपने ही शेयर से, जो उसका हिस्सा था उसी से लाभ उठा सकता था। इन द सेम वे द ट्री वाज आल्सो डिवाइडेड, और इसी प्रकार से जो पेड़ भी बांट लिया गया, जो खजूर का पेड़ था उसको भी बांट लिया गया। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू सुल्तान एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री वेंट टू शाह, मतलब जो पेड़ का ऊपर वाला भाग था जहाँ पे खजूर आती हैं वो वाला पार्ट तो ले लिया सुल्तान ने, और जो नीचे वाला पार्ट था वो किसने ले लिया, वो शाह ने ले लिया। तो शाह फेड द काऊ वेरी वेल, शाह उस काऊ को खाना खिला, मतलब घास खिलाता था। द काऊ बिकेम हेल्दी, इट गेव लॉट ऑफ मिल्क, अब जो काऊ थी वो बेचारी क्या हो गई, वो बड़ी हेल्दी हो गई, स्वस्थ हो गई, और वो बहुत सारा दूध देती थी। सुल्तान गोट द मिल्क, सुल्तान दूध निकाल लेता था उससे। ही सोल्ड द मिल्क एंड आस्क्ड हिज ब्रदर अबाउट हिज शेयर ऑफ मनी, तो वो दूध को बेच लेता था और अपने भाई से पैसे के शेयर के बारे में बात करता था, ठीक है। सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने कहा, आई गोट द मिल्क फ्रॉम माई पोर्सन ऑफ आवर काउ, मैंने हमारी गाय जो है उसका जो अपर, जो मेरे हिस्से का पोर्सन था, मैंने वहाँ से प्रॉफिट ले लिया है, मैंने वहाँ से दूध निकाल लिया है। रियर पार्ट इज माइंड एज पर द एग्रीमेंट, और जैसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो जो रियर पार्ट था, पीछे वाला हिस्सा था गाय का, वो मेरा था। तो ईच ऑफ अस गेट्स द बेनिफिट ओनली फ्रॉम हिज पार्ट, तो हम में से हर एक व्यक्ति अपने वाले हिस्से में से प्रॉफिट ले सकता है। शाह ने बात उसको कही, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नथिंग, नेक्स्ट पेज यहाँ पे आते हैं। He was very sad and went away from there.
अब ये बात सुनकर के बड़ा दुखी हुआ और वहाँ फिर चला गया। वेन ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट ही मेट ए सेंट, और जब वो जंगल में घूम रहा था तो वहाँ पे एक साधु से मिलता है। देयर सेंट आस्क्ड द सेंट आस्क्ड द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस। अब जो साधु था तो उसने उससे क्या कहा, साधु ने उससे उसकी दुखी होने का कारण पूछा। ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द सेंट, उसने पूरी कहानी साधु को बताई। देन द सेंट गेव हिम सम वैल्यूएबल टिप्स, अब साधु ने उसको क्या कहा, साधु ने कुछ उसको वैल्यूएबल टिप्स दी। द नेक्स्ट डे सुल्तान वाज मिल्किंग द काउ, और अगले दिन जैसे ही काउ का वो दूध निकाल रहा था, देन सा बीट द काउ इन द फ्रंट पोर्सन, तब सा ने क्या कहा, सा ने गाय को अगले पोर्सन से पीटना शुरू कर दिया। द काउ स्टार्टेड किकिंग, अब काउ ने क्या कर दिया, काउ ने तो लात मारनी शुरू कर दी। सुल्तान साउटेड एट सा, सुल्तान सा पे चिल्लाया, यू फूल, तुम मूर्ख हो, व्हाई डू यू बीट द काउ, तुम काऊ को क्यों पीटते हो, डू नॉट सी मी मिल्किंग द काऊ, ठीक है ना, मुझे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं काय का दूध निकाल रहा हूं। द फ्रंट पोर्सन ऑफ द काऊ इज माइंड, आई कैन डू एनीथिंग, अब वो साहब बोलता है कि जो गाय का जो फ्रंट पोर्सन है वो तो मेरा है, मैं कुछ भी करूं। दैट इज अवर एग्रीमेंट, साह सेट, साह ने कहा कि ये हमारा एग्रीमेंट था। सुल्तान कुड नॉट से एनीथिंग, सुल्तान और कुछ नहीं कह सका। फाइनली ही एग्रीड टू शेयर द मनी, और अंत में जो सुल्तान था वो पैसे को शेयर करने के लिए राजी हो गया। शाह सेड, शाह ने कहा, नॉट जस्ट मनी, कि पैसा ही नहीं, यू मस्ट आल्सो शेयर द वर्क ऑफ फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द काउ, कि ना तुम्हें केवल मुझे प्रॉफिट देना होगा बल्कि जो मैं फीड करता हूँ गाय को, चारा खिलाता हूँ, उसका खर्चा भी, उसकी देखभाल भी तुम्हें करनी पड़ेगी। सुल्तान एग्रीड, सुल्तान उसकी बात से एग्री हो गया। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, इसको ध्यान से पढ़ना है। हैव अ गुड डे।